नितेश हरियाणा में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में सीनियर बैडमिंटन कोच हैं। उनकी इस बड़ी कामयाबी पर हरियाणा में भी जश्न मनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स करनाल के डिप्टी डायरेक्टर राकेश पांडे ने कहा कि नितेश की कामयाबी का राज उनकी लगन और कड़ी मेहनत है। शुरुआत में नितेश ने ट्रेनिंग मेरे से ही ली है। अभी एक साल से वो गोपीचंद अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है और बहुत ही डेडिकेटेड प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो। और यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया आपको कि मॉर्निंग 4:30 बजे वो ट्रेनिंग पे आ जाता है, 4:30 से 8:30 बजे तक सुबह ट्रेनिंग करता है, उसके बाद 11 से 1 जिम भी करता है, उसके बाद 2:30 से 7:30 बजे तक शाम को बच्चों के साथ खेलता भी और खिलाता भी है। और IIT ग्रेजुएट मंडी से मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से कि 2018 में वो ओवरनाइट जर्नी करके आता था, उसके बाद सुबह 5 बजे यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग करता था, उसके बाद घर जाकर ब्रेकफास्ट करके वो मेरे साथ ही रहता था। उसने 2018 में सीनियर कोच ज्वाइन करा था, अभी भी करनाल में ही अपॉइंटेड है। देखिए, नितेश की कामयाबी से करनाल के उन युवा खिलाड़ियों को भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला जिन्हें खुद नितेश ने बैडमिंटन की बारीकियां सिखाई हैं। मैं पिछले साल आई थी यहाँ पे, राजस्थान से हूँ मैं, और पिछले साल मैंने पहली बार सर को देखा था और मतलब ऐसे अलग ही मोटिवेशन थी सर को देख के कि हाँ हमें भी आगे बढ़ना है, सर की तरह आगे जाना है, अलग अलग जगह खेल के मेडल लेके आने देश के लिए। सर यहाँ पर खेलते हैं तो वो पैरा ओलंपिक के मतलब पैरा के प्लेयर हैं, फिर भी वो नॉर्मल जो प्लेयर्स होते हैं उनको कम्पीट करके और उन अच्छा कॉम्पिटिशन देते हैं, और वो फर्स्ट टाइम उधर गए हैं पैरा ओलंपिक में, फर्स्ट टाइम ही गोल्ड है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। और बाकी वो बहुत डेडिकेटेड प्लेयर हैं। इनमें 3 सेशन लगाते हैं, वो करनाल में ही लगाते थे पहले, ट्रेनिंग 3 टाइम करते थे, दिन में हमारे साथ ही सेशन होता था। आज उनको रिजल्ट मिल ही गया उनकी मेहनत का। मैच एंजॉय किया आपने? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। एक भविष्य देखते हैं बैडमिंटन में आप? हम सब भी यहाँ पर कोई स्टेट चैंपियन है, सब नेशनल जा रहे हैं, सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम, अभी उनके आने पर सेलिब्रेट करेंगे सब फिर से।